हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला गया है आप इनके वैल्यू फाइंड करें। देखो स्टूडेंट, जैसे ये है ना, इट मीन्स है ये 2 पावर 6 है। ये जो 2 है इसे हम बोलेंगे बेस, और ये जो पावर है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका मीन्स ये है कि आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 नहीं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई करें 6 टाइम। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। इस तरह से इसका आंसर हुआ 64। नाउ पार्ट सेकेंड, ये है 9 पावर 3। इट मीन्स 9 × 9 × 9। देखो 9 × 9 = 81 हो गए ना, और 81 × 9 आपको उधर नहीं आता हो तो 81 में 9 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 729 होगा। इज इक्वल हो गया 729। नाउ पार्ट थर्ड, ये है 11 पावर 2। 11 पावर 2 मीन्स 11 × 11। आप 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 121। नाउ पार्ट फोर्थ, ये है 5 पावर 4। 5 पावर 4 इट मीन्स 5 × 5 × 5 × 5। देखो 5 × 5 = 25 हो गया, 25 × 5 = 125, 5 × 6 = 625। उधर में प्रॉब्लम हो तो 125 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा 625। यहां नोट करें इज इक्वल 625। नाउ पार्ट सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला है कि आप इनके आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दें। देखो ये 6 है ना, 6 × 6 में मल्टीप्लाई है 4 टाइम, तो इसका बेस हो गया 6, तो इसका बेस हो गया 6 और एक्सपोनेंट हुआ 1, 2, 3, 4। ये 4 टाइम है, एक्सपोनेंट हुआ 4। सेकेंड, ये t × t मीन्स t 2 टाइम है तो आंसर हुआ t power 2। हियर ये b × b × b × b, यहां पर b का b में 4 टाइम मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर हुआ b power 4। अब देखो यहाँ 5 × 5 मीन्स 5 2 टाइम है तो ये 5 power 2, और ये 7 × 7 × 7 7 3 टाइम है तो ये हो गया 7 power 3। देखो ये 2 × 2 इट मीन्स 2 power 2 हो गया, और ये a × a a power 2 हो गया। इसे आप 2a इसका होल पावर 2 भी कर सकते हैं, मीन्स यहां पर 2 भी 2 टाइम है और a भी 2 टाइम है, यानी 2 power 2 × a power 2 मीन्स 2a होल पावर 2। दैट्स ओके। अब पार्ट 6 करते हैं। देखो ये a × a × a, a का a में 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये a power 3 हो गया। c × c × c × c
ये C का C में 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये C पावर 4 हो गया इनटू D। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये जो नंबर्स गिवन है आपने इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने हैं। देखो पार्ट वन है 512। स्टूडेंट सबसे पहले आप रफ पर 512 के प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 कैरी ओवर 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1 2 कैरी ओवर 12 हो गया, 2 6 जा 12। स्टूडेंट हो सकता है आपको ओरल डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस तरह से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। टू टू जा 4, ये सब्ट्रैक्ट किया रिमेनिंग 1 हो गया और ये 1 कैरी कर लिया, ये 11 हो गया, 2 5 टाइम 10, रिमेनिंग 1 हो गया, अब ये 2 कैरी कर लिया तो ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, इस तरह से ये 256 आ गया जो कि हमने यहां पर यूज। दैट्स ओके, आप अच्छे से समझे ना। अब आगे डिवीजन हम डायरेक्ट ओरल ही करेंगे, जहां भी आपको डिवीजन में डाउट हो तो आप इस तरह से रफ पर उसे प्रॉपरली कर लेंगे, हमें अपनी वीडियो की लेंथ भी कम रखनी है ना। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 8 टाइम 16। नाउ अगेन बाई 2, तो ये 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, अगेन बाई 2 तो 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, अगेन बाय 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, अगेन बाय 2, 2 8 टाइम 16, देन अगेन 2, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। स्टूडेंट कहने का मीन्स ये है कि आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहोगे, फर्स्ट आप 2 को चांस दोगे जब तक 2 से डिवीजन होता है, इससे करते रहें, फिर 3 5 7 11 13, इस तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं, बट जब तक डिवाइड होता है पहले हम 2 को चांस देते हैं। इस तरह से ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम करेंगे। यहां नोट करें इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। काउंट करें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम हुआ है अभी तो। और करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हें काउंट करें ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम हो गए। ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई 9 टाइम है ना, तो इसका आंसर हो गया 2 पावर 9। दैट्स ओके। अब ये सेकेंड पार्ट करते हैं, ये है 343। स्टूडेंट देखो ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं और 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं। देखो 7 4 टाइम 28 हो गया और यहां रिमेनिंग हुआ 6, 3 कैरी ओवर करेंगे 63 हो गया, 7 9 टाइम 63। यदि कोई डाउट है तो आप इस तरह से
प्रॉपरली डिवाइड कर लें। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 टाइम 28, रिमेनिंग 6 हुआ, 3 कैरी कर लिया, 7 9 टाइम 63, आंसर आया 49, जो कि हमने यहां नोट कर लिया। अब आप 49 को अगेन बाय 7 करेंगे, 7 7 टाइम 49, देन अगेन बाय 7, तो ये 7 1 टाइम 7, इस तरह से ये हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7। यहां नोट कर लें, इज इक्वल 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका आंसर हो गया 7 पावर 3। अब ये 729 है, इसे भी करते हैं 729। ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, अगेन बाई 3, 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, अगेन 3, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, अगेन बाई 3, 3 9 टाइम 27, अगेन 3, 3 3 टाइम 9, अगेन 3, 3 1 टाइम 3। इस तरह से ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 6 टाइम हो गया, इट मीन्स 3 पावर 6। अब हम ये करते हैं 3125, इसे 5 से करते हैं, देखो 5 6 टाइम 30, 5 2 टाइम 10 और 5 5 टाइम 25, अगेन बाई 5, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, अगेन बाई 5, 5 2 टाइम 10, 5 टाइम 25, बाई 5, 5 5 टाइम 25, बाई 5, 5 1 टाइम 5, इस तरह से ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 5 टाइम है, तो ये हो गया 5 पावर 5, दैट्स ओके। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला गया है कि ये जो नंबर्स हैं, आपने इनमें से ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है, जहां जैसे भी पॉसिबल है। देखो पार्ट वन है 4 पावर 3 पावर 4, पहले हम 4 पावर 3 सॉल्व करें, तो इट मींस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 या 16 4 या 64, और 3 पावर 4 करें, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 3 या 27, 27 3 या, ये हो गया 81। अब हम इनके कंपेयर करें, 81 इज ग्रेटर देन 64 है, 81 किसका आंसर आया 3 पावर 4 का, इट मीन्स 3 पावर 4 ग्रेटर है और 4 पावर 3 स्मॉलर है। यहां नोट कर दें, द ग्रेटर नंबर यहां हमारा 3 पावर 4 ग्रेट है ना, तो यहां नोट कर दो 3 पावर 4। अब इनको चेक करते हैं, देखो ये 5 पावर 3 है ना,
इट मीन्स 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 हो गया, और ये 3 पावर 5 है, इट मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 और 81 × 3 = 243। आप 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 3 और 3 × 8 = 24। इस तरह से ये हो गया 243। अब कंपेयर करें तो देखो 125 से 243 ही ग्रेटर है ना, ये 3 पावर 5 = 5 पावर 3, तो ग्रेड तो यही है ना 3 पावर 5। यहां नोट कर दें 3 पावर 5 = ग्रेटर। अब ये 2 पावर 8 और 8 पावर 2 इन्हें चेक करते हैं। देखो 2 पावर 8 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times। अब आगे देखते हैं, देखो 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 128, 2 × 256। अब ये 8 पावर 2 करते हैं, 8 पावर 2, इट मीन्स 8 × 8, 8 × 8 = 64, तो ग्रेड क्या है 256, इट मीन्स 2 पावर 8 = ग्रेटर। यहां नोट करें 2 पावर 8। अब ये है 100 पावर 2 और 2 पावर 100, 100 पावर 2, 100 पावर 2, इट मीन्स 100 × 100, ये 10,000 हो गया, और ये है 2 पावर 100, 2 पावर 100। स्टूडेंट आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इसे 100 times करोगे तो ऑब्वियसली इससे ग्रेट ही नंबर आएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं 2 पावर 100 = ग्रेटर देन 100 पावर 2। ये मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, आप इस तरह से ये करते चलोगे तो यही इसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां नोट कर दें 2 पावर 100। अब ये 2 पावर 10 है और 10 पावर 2 है। देखो 2 पावर 10, इट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 times किया, और ये 10 पावर 2, 10 पावर 2, इट मीन्स 10 × 10 मीन्स ये 100 हो गया। अब इसे चेक करें, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 128, ये यहीं तक 128 हो गया, जबकि ये कुल 100 है, अभी इसमें और भी आगे होना है, तो ग्रेड तो यही हुआ ना। यहां नोट करें 2 पावर 10। नाउ क्वेश्चन 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर। स्टूडेंट यहाँ आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स करना है। कैसे? कि जैसे ये 648 है तो आप 648 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 648 फर्स्ट आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, अगेन बाय 2 करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12 and 2 × 4, अगेन बाय 2 करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 2। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करें, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, अगेन बाय 3, 3 × 9 = 27, 3
3 3 9 3 3 बन गया 3। इस तरह से ये हुआ 2 × 2 × 2 3 टाइम। यहां नोट करें इज इक्वल 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम × 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम। यहां 2 × 2 × 2 3 टाइम है ना, तो ये हो गया 2 पावर 3। 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम है ना, तो ये हो गया 3 पावर 4। अब ये करते हैं 405, ये 405 है। फर्स्ट हम 3 से डिवाइड करें, देखो हम 405 को 3 से डिवाइड करें, 3 बन जाए 3, रिमेनिंग 1 10 हो गया, 3 × 3 = 9, रिमेनिंग 1 15 हो गया, 3 × 5 = 15, इट मीन्स 135 आया, 135। अब फिर से 3 से करते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, अगेन बाय 3, 3 बन जाए 3, 3 × 5 = 15, देन 3, 3 × 5 = 15 एंड 5। इस तरह ये हुआ 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम। यहां नोट करें 3 × 3 × 3 × 3 और ये × 5 है, × 5। देखो ये 3 4 टाइम है ना, तो ये 3 पावर 4 हो गया × 5। अब हमारे पास में है 540। इसे करते हैं, देखो 2 से करें, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 0, अगेन बाई 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब बाई 3 करते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, अगेन बाई 3, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, अगेन बाई 3, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 5 = 5। इस तरह से ये हो गया 2 × 2 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 टाइम × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो देखो ये 2 2 टाइम है तो 2 पावर 2 हो गया, ये 3 3 टाइम है तो 3 पावर 3 हो गया, और ये 5 1 टाइम है तो × 5 कर लेंगे। दैट्स ओके। पार्ट 4 ये है 3600। इसे सॉल्व करते हैं, 3600, देखो फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 0 0, देन 2, 2 9 × 18, 2, 2 4 × 8, 2 5 × 10 एंड 0, 2, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 3, 3 7 × 21, 3 5 × 15, 3, 3 2 × 6, 3 5 × 15, 5, 5 × 25, 5 1 × 5। इस तरह से ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम हो गया, 3 × 3 2 टाइम × 3 × 3 और 5 × 5 × 5 × 5। देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम है तो ये 2 पावर 4 हो गया, 3 × 3 2 टाइम है तो ये 3 पावर 2 हो गया,
5 इंटू 5 टू टाइम है तो ये 5 पावर 2 हो गया, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई। स्टूडेंट हमने यहां इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो पार्ट 1 है 2 इंटू 10 पावर 3, 2 इंटू 10 पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 इंटू 10 1000 हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 2000, यहां नोट कर दे इज इक्वल 2000। अब ये है 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 2, 7 पावर 2 मीन 7 इंटू 7 और 2 पावर 2 मीन 2 इंटू 2। अब सॉल्व करते हैं। देखो 7 इंटू 7 49 हो गया, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2, देखो 2 9 जा 8 और 2 4 जा 8 एंड 1 9 इंटू 2, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 1 19, इस तरह से ये हो गया 196। यहां नोट कर ले इज इक्वल 196। नाउ पार्ट थर्ड, ये है 2 पावर 3 इंटू 5, 2 पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है इंटू 5। देखो 5 टू टाइम 10, 10 टू टाइम 20, 20 टू टाइम 40, इस तरह से ये हो गया 40। अब है ये 3 इंटू 4 पावर 4 मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। देखो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 इंटू 4 12 हो गया। अब आप 64 इंटू 12 कर ले, देखो 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12, 4 1 टाइम 4, 6 1 टाइम 6, ये ऐड करें 8 6 7, ये हो गया 768। यहां नोट करें इज इक्वल 768, ये है ना। अब आगे करते हैं। देखो ये है 0 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 2 मीन्स 10 इंटू 10, देखो 10 इंटू 10 100 हो गया और 100 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। नाउ पार्ट 6, ये है 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 3, 5 पावर 2 इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये 3 पावर 3 है इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 5 इंटू 5 25 हो गया और 25 इंटू 3 75 हो गया और 75 इंटू 9, देखो 9 5 टाइम 45 कैरी ओवर 4, 9 7 टाइम 63 एंड 4 67, इस तरह से ये हो गया 675 इज इक्वल 675, ये है ना। नाउ पार्ट 7, ये है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, 2 पावर 4 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम और ये है 3 पावर 2 इट मीन्स 3 इंटू 3। अब देखो सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, यहां नोट कर दें 144। नाउ पार्ट 8, ये है 3 पावर 2 इंटू 10 पावर 4, 3 पावर 2 इट मीन्स 3 इंटू 3 और 10 पावर 4 इट मीन्स
टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन फोर टाइम। देखो थ्री जा नाइन, टेन जा नाइनटी, टेन जा नाइन हंड्रेड, टेन जा नाइन थाउजेंड, टेन जा नाइन्टी थाउजेंड। मीन्स नाइन के आगे फोर जीरो आएंगे। दैट्स ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेवन, सिंप्लीफाई। स्टूडेंट यहां हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है माइनस फोर पावर थ्री, इट मीन्स हो गया माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर। देखो स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। मीन्स इसका आंसर तो ये नेगेटिव आना है। फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर हो गया। इस तरह से ये हुआ सिक्सटी फोर। अब है ये पार्ट सेकेंड, माइनस थ्री इंटू माइनस टू पावर थ्री। सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस थ्री इंटू माइनस टू, थ्री टाइम करना है, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। मीन्स इसका आंसर तो पॉजिटिव आना है, और प्लस का सिंबल मस्ट नहीं है। आगे थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर। इस तरह से ये हुआ पॉजिटिव ट्वेंटी फोर, और ये प्लस लगाना मस्ट नहीं है। नाउ पार्ट थर्ड, ये है माइनस थ्री पावर टू इंटू माइनस फाइव पावर टू। माइनस थ्री पावर टू इट मीन्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, और ये माइनस फाइव पावर टू इट मीन्स माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया। ये फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव हो गया, ट्वेंटी फाइव, और ये थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया। तो ट्वेंटी फाइव नाइन टाइम टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होता है। अब देखो पार्ट फोर, ये है माइनस टू पावर थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री। माइनस टू पावर थ्री इट मीन्स माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, और ये माइनस टेन पावर थ्री इट मीन्स माइनस टेन इंटू माइनस टेन इंटू माइनस टेन। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। और ये टू टू या फोर, फोर टू या एट, एट टेन या एट्टी, एट्टी टेन या एट हंड्रेड, टेन या एट थाउजेंड। इस तरह से ये हो गया एट थाउजेंड। सिंबल पॉजिटिव आएगा, जो कि मस्ट नहीं है। नाउ पार्ट एट, ये है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। स्टूडेंट यहां पर ये नंबर्स हैं, आपने इनको कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। देखो ये 2.7 इंटू टेन पावर ट्वेल्व, इट मीन्स 2.7 इसमें 10 के सामने 12 जीरो, इट मीन्स ये 12 डिजिट तो ये हो गए, इससे 12 डिजिट बनेंगे ना। जैसे आप 2 में 10 का मल्टीप्लाई करते हो इंटू 10, तो ये 100 हो गया इंटू 10, तो जितनी जीरो हैं उतने डिजिट बन जाते हैं ना, और ये मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होते हैं।
कहने का मीन्स ये है कि यहाँ ये 12 जीरो टाइम मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 8 जीरो टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इसके आगे 12 डिजिट बढ़ेंगे और इससे 8 डिजिट बढ़ेंगे। 12 डिजिट का नंबर ग्रेटर होगा ना 8 डिजिट से, 8 मीन्स ये वाला नंबर ग्रेट है, ये स्मॉल है। यहां नोट कर दें 2.7 × 10^12 इज ग्रेटर देन 1.5 × 10^8। अब सेम ये है, यहां 14 जीरो होंगी, मीन्स 14 डिजिट एक्स्ट्रा होंगी और यहां 17 डिजिट एक्स्ट्रा होंगी, तो 17 डिजिट का नंबर ग्रेट होगा ना 14 डिजिट से। जैसे कि ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट ही ज्यादा हुए ना, जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होते हैं वह नंबर ग्रेट होता है। इस तरह से यह 17 डिजिट वाला नंबर ग्रेट होगा। यहां नोट कर दें 4 × 10^14 इज स्मॉलर देन 3 × 10^17। दैट्स ओके।